एक्सरसाइज 1.2.1 को कंप्लीट किया था। आज हम अपने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स 5x-4x² + 3। एट मतलब आपको एक ये पॉलीनोमियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें फर्स्ट है इसका x इक्वल टू जीरो, मतलब जहाँ जहाँ हमें x है वहाँ हम जीरो इस इक्वेशन में जीरो रख के इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड है एक्स इक्वल टू -1, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम रखेंगे -1। और थर्ड है एक्स बराबर 2, इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा इक्वेशन है 5x-4x² + 3। ये इक्वेशन है 5x-4x² + 3 और फर्स्ट था एक्स बराबर 0, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है इक्वेशन में वहाँ हम क्या करेंगे, 0 पुट करते हैं। देखिए 5x है यानी कि 0, -4x है यानी कि 0, +3। 5 में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0, -4 में 0 करते हैं 0, +3, यानी कि सबको आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर। सेकेंड इक्वेशन वापस हमें लिखते हैं 5x-4x² + 3। अब जहाँ x इक्वल टू कितना है -1, यानी जहाँ जहाँ x है हम रखेंगे पुट करेंगे -1। देखिए 5x है तो -1, -4x है तो कितना रखेंगे -1 की पावर 2, +3। अब देखिए प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, 5 एकम 5 माइनस। देखिए -1 की पावर 2, अब -1 की पावर 2 यानी कि कितना होगा, 1 होगा। -1 की पावर 2 यानी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन देखिए माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए -1 की पावर 2 है, देखिए -1 × -1 तो माइनस माइनस प्लस, और एक का कावर करते एक ही आएगा, यहाँ कितना आएगा 1। अब एक का गुणा हम 4 में करेंगे, 4 एकम 4 और +3, ठीक है। तो देखिए ये माइनस ये माइनस दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 5 और 4 9, 5 और 4 9 हो जाएंगे। 9 का संख्या कौन सी बड़ी है, 5 बड़ी है, साइन कौन सा माइनस का है, इसलिए कितना आएगा आंसर -9 + 3। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 6। रिमाइंड जो नंबर बड़ा है वो माइनस का है तो इसलिए -6। तो ये है आपका आंसर। इसका थर्ड है x इक्वल टू 2, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सिर्फ आपको x की जगह 2 पुट कर इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द p इक्वल टू 0 p 1। देखिए सेकंड है p 0 p 1 p 2 4 इज द फॉलोइंग पॉल नंबर्स। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी प्रकार जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है। सिर्फ यहाँ पी देखिए p 0 मतलब आपको x y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, फिर p 1 यानी कि 1 रखना है और p 2 यानी कि 2 रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड py = y² - y + 1, तो इसका फर्स्ट आपको रखना है py = 0, ठीक है। py = 0 मतलब देखिए यहाँ पे है p 0 मतलब देखिए यहाँ y कितना 0 है, यहाँ y है, यहाँ पर कितना गया 0, तो मतलब आपको क्या रखना है, y की जगह 0 पुट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, p 0 = 0 की पावर 2 - 0 + 1, 0 - 0 + 1। अब सबको सॉल्व कर दे कितना आएगा, 1 आएगा, तो यही आपका आंसर रहेगा। ये हमने p 0 रख के इसको सॉल्व किया। अब इसी क्वेश्चन में हमें p 1 भी रखना है और p 2 भी रखना है, तो हमने क्या रखा था p 0 का, अब रखते हैं हम ये फर्स्ट पार्ट है इसका, अब इसका सेकेंड पार्ट है हमें p 1 रखेंगे हम, ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखिए इसको सॉल्व करते हैं, p 1 रख के p 0 रखा तो हमारे लिए 1 आया, अब p 1 रखेंगे और p 2 रखेंगे, P1
वाई की पावर टू यानी कि वन की पावर टू माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर करते हैं वन ही आएगा, माइनस वन प्लस वन, देखिए एक माइनस वन में से वन जाएंगे जीरो हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो आपके पास बचेगा यानी कि पी इस जीरो रखने पर भी बनाया, पी वन रखने पर भी बनाया। अब रखते हैं पी टू, इसका थर्ड पार्ट पी टू, इक्वेशन क्या थी अपने पास, वाई की पावर टू माइनस वाई प्लस वन यह थी। अब यहाँ पी वाई इक्वल टू, पी वाई इक्वल टू थी वाई की पावर टू माइनस वाई प्लस वन। अब पी टू रखेंगे यानी कि पी टू वाई की पावर टू यानी कि पी की टू की पावर टू माइनस टू प्लस वन, टू की पावर टू यानी कि दो, टू का स्क्वायर करते टू टू था फोर माइनस टू प्लस वन माइनस प्लस माइनस प्लस यही थी, इसको थोड़ा माइनस करो या फिर इसको माइनस कर दो, फिर इसको दे फोर में से टू जाएंगे तो टू प्लस वन, फोर में से टू जाएंगे टू प्लस वन कितना आएगा थ्री। तो आपका तीन को हमने सॉल्व किया, कितना है हमारा आंसर टोटल फोर, दूसरा पहले का वन आया था, दूसरे का भी वन और तीसरे का थ्री, यानी कि जीरो रखा तो वन आया, वन रखा तो वन आया और टू रखा तो थ्री, ये आपका आंसर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है पी टी इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी की पावर टू माइनस टी की पावर थ्री, ये आपका क्वेश्चन है। जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, वही रखना है पी जीरो, एक बार पी जीरो रखना है, फिर पी वन रखना है और पी टू रखना है। तो सॉल्व कर दें हम फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले लिखेंगे पी जीरो, जहाँ जहाँ टी है वहाँ रखेंगे हम जीरो, देखिए पी जीरो इक्वल टू टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो की पावर टू माइनस जीरो की पावर थ्री इक्वल टू, देखिए ये सभी तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई टू में करेंगे, जीरो का क्यूब सभी जीरो हो जाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा सिर्फ जीरो। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट, पी वन रखें, क्या रखेंगे हम पी वन, पी वन रखने से क्या होगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ रखेंगे अपन वन, देखिए इसी इक्वेशन में पी वन इक्वल टू टू प्लस वन प्लस टू, टी यानी कि वन का स्क्वायर माइनस टी यानी कि वन का क्यूब, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं हम टू प्लस वन थ्री प्लस टू, अब वन का स्क्वायर करते हैं तो वन की पावर टू यानी कि वन ही आएगा, ठीक है इंटू वन और वन की पावर थ्री माइनस वन ही आएगा, वो तो वन की पावर थ्री कर देते अभी हमारे पास वन ही आता है, टू वन सा टू और माइनस वन थ्री प्लस टू माइनस वन, थ्री प्लस टू फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव में से वन जाएंगे तो कितना आएगा फोर, ये आपका आंसर पी जीरो का। पी वन अब रखेंगे अपन थर्ड पार्ट में, पी टू, पी टू रखेंगे तो पी टू यानी कि टू प्लस टी एन है टू रखेंगे प्लस टू टी की पावर टू माइनस टू की पावर थ्री, टू प्लस टू प्लस टू टू की पावर टू करते हैं हम, देखिए टू प्लस टू प्लस टू, अब यहाँ टू की पावर टू करेंगे कितना का टू टू था फोर इंटू फोर माइनस टू की पावर थ्री, नहीं टू को थ्री बार सॉल्व करते हैं तो टू टू था फोर और फोर टू था एट आएगा, ये एट। अब टू और टू, टू टू फोर प्लस टू फोर जा टू फोर जा एट, माइनस का एट, अब प्लस एट और माइनस एट दोनों कट जाएगा, आपके पास आंसर कितना आएगा फोर, ये आपका आंसर। मतलब वन जीरो को किया टू आया, वन को किया फोर आया और टू को पी टू रखा हमने तो भी आया आपका लिए फोर, तो आंसर तीनों को रखने क्या आया टू फोर फोर, ये आपके लिए आंसर है। देखिए
अब थर्ड थर्ड है पी एक्स की पावर 3। अब सॉल्व करते हम पहले रखेंगे पी जीरो, ठीक है। अब पी जीरो रखेंगे तो यहाँ आप रखेंगे पी एक्स की जगह 0 और एक्स की जगह 0 की पावर 3। जीरो की पावर 3 करते हैं कितना आएगा, आंसर 0 ही आएगा। अब सेकेंड वे फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में हम रखेंगे कितना 1, ठीक है। तो क्या था इक्वेशन हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3, पी एक्स की जगह 1, एक्स की पावर 3 यानी कि 1 की पावर 3। अब 1 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा, 1 ही आता। तो ये आपका आंसर थर्ड है P2, ठीक है। P2 रखेंगे तो आपका P2 एक्स की पावर 3, 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 करें यानी 2 2 8, सॉरी 2 2 4 और 4 2 8, तो ये आपका 8 आंसर। 0 1 8 कितना है, 0 1 8 ये आपका आंसर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। आपका लास्ट क्वेश्चन है पी एक्स एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब बात हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेरीफाई वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आइडेंटिटी अगेंस्ट देम, मतलब आपको जिस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड किया था उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करना है। सिर्फ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, यहाँ एक्स इक्वल टू -1/3, इसकी वैल्यू पुट करना है। अगर ये जीरो आ गया, -1/3 इस इक्वेशन में पुट करने पर अगर जीरो आ गया तो यह पॉलिनोमियल जीरो होगा। अगर जीरो आंसर नहीं आया तो वो जीरो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, आपको वेरीफाई करना है कि फॉलोइंग आर जीरो, मतलब जो भी फॉलोइंग है वो जो इक्वेशन है वो क्या है, जीरो ऑफ द फॉलोइंग। कब होगा, जब आपका जीरो इसका आंसर वैल्यू पुट करने पर आंसर जीरो आता है तो पॉलिनोमियल जीरो होगा, नहीं आता है तो पॉलिनोमियल जीरो नहीं होगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, यहाँ x इक्वल टू आपको पुट करना है -1/3। सॉल्व करते हैं हम इसको पी एक्स यानी कि x की पुट की जाएगा x इक्वल टू -1/3 पुट। अब x की जगह रखेंगे -1/3 इक्वल टू 3x है तो 3 इंटू वो कितना लगना है x की जगह -1/3 प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई है मतलब ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, -1 प्लस 1। देखिए -1 प्लस 1 तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 1 में से 1 करेंगे माइनस आएगा तो 0, तो आंसर कितना आया 0। तो ये बोल रहा है कि 0 ऑफ द फॉलोइंग, तो यस ये अगर इसका आंसर आएगा 0 तो यस 0 इज द पॉलीनोमियल्स। इसका सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड है आपके फी पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है। और आपको पुट करना है एक्स इक्वल टू 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम एक्स इक्वल टू 4/5 इसमें पुट करते हैं हम, यानी कि एक्स की जगह 4/5 पुट करते हैं। पी एक्स इन 4/5 इक्वल टू 5, एक्स की जगह रखेंगे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा कितना 4 माइनस पाई। अब इसको सॉल्व तो आगे करके पाई की वैल्यू भी पुट कर दो तो 0 तो आएगा नहीं, यही आपका आंसर रहेगा। 0 नहीं आया तो इसका पॉलीनोमियल्स नो, ये पॉलीनोमियल्स 0 पर इसका पॉलीनोमियल्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ लिख दीजिए हम नो, कारण क्या है क्योंकि इसका सॉल्व कर रहे हैं तो इसका 0 आंसर नहीं आया। थर्ड थर्ड है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1,
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसमें एक्स इक्वल टू वन भी रखना है और माइनस वन भी रखना है, एक्स बराबर वन भी रखना है और माइनस वन भी रखना है। पहले हम वन रख के इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल टू वन पुट देम, ठीक। तो एक्स की जगह रखेंगे हम वन, माइनस एक्स की जगह वन की पावर टू माइनस वन, वन की पावर टू करते हैं तो कितना आएगा, वन ही आएगा, माइनस वन, वन में से वन जाएंगे तो बचेगा हमारे पास जीरो। मतलब जब हमने वन रखा तो आपके पास जीरो आ गया, तो ये पॉलीनोमियल से जीरो के लिए आप माइनस वन रखते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट देम, ठीक। अब एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो एक्स की जगह माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्योर, ठीक है। अब माइनस वन, माइनस वन की पावर टू, यानी कि माइनस वन की पावर टू करेंगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा, वन की पावर वन, वन की पावर टू है तो वन आएगा, माइनस दो बार माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन माइनस वन इसका भी कितना आएगा, जीरो के वन में से वन जाएंगे तो जीरो, दोनों का आंसर कितना आया, जीरो आया, तो यह जीरो पॉलीनोमियल होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फोर्थ भी इसी प्रकार से करना है, फोर्थ में आपको करा देता हूँ एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, यहाँ एक्स इक्वल टू माइनस वन रखना है और टू रखना है, ठीक है बच्चों। देखिए रखते हैं हम सॉल्व, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। अब इसमें सबसे पहले एक्स इक्वल टू माइनस वन रखते हैं, तो पी एक्स की जगह माइनस वन, यहाँ एक्स की जगह रखेंगे माइनस वन प्लस वन और एक्स की जगह रखेंगे माइनस वन प्लस टू। देखिए माइनस प्लस माइनस तो ये कितना हुआ, जीरो, और माइनस प्लस माइनस टू में से वन जाएंगे तो टू बचेगा, तो जीरो टू में से वन जाएंगे तो बचेगा वन। अब जीरो में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए जीरो। अब हम रखेंगे एक्स इक्वल टू टू, पहले हमने वन रखा, अब करते हैं टू की, तो पी टू की जगह एक्स की जगह रखेंगे टू, एक्स की जगह टू प्लस वन और एक्स की टू माइनस टू, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, इंटू टू में टू जाएगा तो जीरो। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आया जीरो, दोनों जीरो आ चुका है, तो ये क्या होगा, जीरो पॉलीनोमियल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर मैं सिक्स कराता हूँ क्योंकि ये एल और एम है, इसमें नंबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है पी एक्स एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम, यहाँ एक्स इक्वल टू रखना है हमें माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन, देखिए पुट करते हैं सॉल्व करते हैं इसको, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पुट देम, ठीक है। अब देखिए एक्स की जगह रखेंगे अपन माइनस एम अपॉन एल, एल एक्स की जगह रखेंगे माइनस एम अपॉन एल और प्लस एम, देखिए ये एल से एल कट जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस एम प्लस एल। अब देखिए एक माइनस का एम है और एक प्लस का एम है, तो माइनस प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दोनों कट जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, जीरो। आपके पास आंसर जीरो आया, मतलब ये आपके लिए क्या है, जीरो पॉलीनोमियल। यस, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेवन और एट भी आपके लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड में से आपके लिए तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इज द फॉलोइंग, मतलब इसमें भी आपको देखना है कौन सा पॉलीनोमियल जीरो है। फर्स्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, यहाँ कहना जीरो पॉलीनोमियल, यानी कि हम पी एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं, जीरो, पी एक्स को हम रखेंगे जीरो, यानी कि इसको रखेंगे हम जीरो, तो एक्स प्लस फाइव इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस है, तो इक्वेशन इक्वल टू के इधर जाएगा तो जाएगा माइनस का, तो क्या है आपका आंसर, एक्स इक्वल टू माइनस का फाइव। आपको सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कितना है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ हम पी एक्स क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, यानी कि इसकी जगह हम जीरो पुट करते हैं, तो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर माइनस का इक्वल टू कितना जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड है आपके लिए
कितना है पी एक्स, टू एक्स प्लस फाइव, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। यहाँ पी एक्स हम क्या रखते हैं, जीरो रखेंगे, ठीक है। तो पी एक्स जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब देखिए टू एक्स इक्वल टू प्लस है इक्वल टू इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का फाइव। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ये अगर कोई भी मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस फाइव अपॉन टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड लास्ट, सॉरी लास्ट तो नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ है आपका पी एक्स थ्री एक्स माइनस टू। यहाँ भी हम क्या रखेंगे, पी एक्स की वैल्यू अगर जीरो जीरो इक्वल टू रखते हैं तो थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस है तो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस टू, तो एक्स इक्वल टू टू अपॉन थ्री, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चे हुए क्वेश्चन है फाइव सिक्स और सेवन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हाँ, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। अब हम अगले वीडियो में अपनी नई एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।